गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे में हो। तो आज का ये जो व्लॉग है, मैं ऑलमोस्ट 4 बजे स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मिठी और मैं थोड़ा सा बाहर गए थे, थोड़ा सा काम था। वो करने के बाद, फिर घर आने के बाद मिठी को मैंने सुला दिया, क्योंकि उसके सोने का टाइम हो रहा था तो उसको मैंने सुला दिया। और फिर थोड़ा सा जो क्लीनिंग रहता है घर का, डेली क्लीनिंग जो होता है, वो मैंने किया। उसके बाद फिर मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये जो व्लॉग है, ये एक आर्ट रिलेटेड व्लॉग होगा। इसमें मेरा एक कजिन है एंड ही इज अ डेंटिस्ट एंड हिज वाइफ ऑल्सो इज अ डेंटिस्ट। दे बोथ आर गोइंग टू ओपन अ क्लिनिक। सो उसके लिए उनको एक जगन्नाथ का पेंटिंग चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी ये वाला पेंटिंग मैंने बनाया था और इसको मैं घर पे ही यूज कर रही हूँ मेरे घर पे। तो उसके लिए मैं उसके लिए और एक पेंटिंग बनाऊंगी, सेम जो टाइटल में मैंने दिया है, रिक्रिएटिंग द सेम वन। तो वो मैं बनाऊंगी और मैं कैसे पैकिंग करती हूँ वो सब ये वीडियो में दिखाऊंगी। तो चलिए फिर व्लॉग स्टार्ट करते हैं और या लेट्स गो। यहाँ पे ये जो कीड़े हैं, ये पूरा भर भर के हैं। ये प्लांट्स के अंदर बहुत रहते हैं, इनके अंदर वो बहुत रहते हैं, लेकिन वो कुछ करते नहीं है। सो हम लोग वीडियो यहीं पे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने ये A3 पेपर लिया है और ये सेंटर मैंने फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे है सेंटर, ये जो सेंटर है ये मैंने फाइंड आउट कर लिया। तो जब जगन्नाथ बनाएंगे तो ये सेंटर से ही सर्कल करना स्टार्ट करेंगे। सो उससे पहले मैं पहले बॉर्डर के लिए स्पेस छोड़ देती हूँ। जैसे अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप प्रीवियस वीडियो में यहाँ कहीं पे लिंक कर दूंगी, तो वहां पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैं ज्यादा डिटेल नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में दिखाया था, अभी फिर से वही सेम रिपीट होगा। तो मैं ये जो वीडियो है इसमें ये जो पेंटिंग है ये मैं थोड़ा सा शॉर्टकट ही दिखाऊंगी। तो ठीक है, चलिए फिर हम बॉर्डर बनाते हैं, फिर मैं जगन्नाथ जी को बनाऊंगी। जगन्नाथ जी का जो फेस है वो मैंने बना दिया, पेंसिल से मैंने उसको ड्रॉ कर लिया। चलिए आपको एक बार दिखा देती हूँ। आई होप आपको दिख रहा है। हाँ, यस, दिख रहा है ना। ओके, तो अभी फेस तो बन गया है। मैं भी एक बार जाके थोड़ा खाना खा लेती हूँ, मुझे थोड़ा भूख लग रहा है। तो देखते हैं, नीचे कुछ बनाते हैं और खाना खाएंगे। ये कुछ कॉर्न थे, मैं इनको अभी बॉईल करूंगी और मैं सोच रही हूँ कॉर्नसलाड बनाऊं, इजी है और 5-10 मिनट में भी बन जाएगा। इसको थोड़ा जस्ट बॉईल होने के लिए ही जितना टाइम लगेगा। सो अभी ये हो गया, इसमें मैं थोड़ा सा चीज डाल देती हूँ, फिर इसमें थोड़ा सा मेयोनीज एंड इट इज डन। इसमें थोड़ा सा मुझे और सॉल्ट डालना है बस। आप चाहो तो इसमें कैप्सिकम भी डाल सकते हो, लेकिन मुझे नहीं डालना है, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है मीठा मीठा। फटाफट से मैं अभी खा लेती हूँ और उसके बाद मिठी को जाके उठाना है। 5:30 हो रहा है, उसको 6 o'clock को क्लास है।
तो फटाफट से खा लेती हूँ और उसको उठाने जाती हूँ। ये जो व्लॉग है मैं कल कंटिन्यू करूंगी क्योंकि अभी टाइम हो गया, मिट्टी को जल्दी उठाना है, उसको खाना खिलाना है, फिर रेडी करके उसको लेके जाना है। तो मिट्टी को अभी उठा दूंगी और ये जो व्लॉग है मैं कल कंटिन्यू करूंगी। हे एवरीवन, सो आज है सेकेंड डे और आज मुझे मैक्सिमम काम खत्म करना है पेंटिंग का, सो दैट मैंने डिसाइड किया है कि एटलीस्ट कल तक, मतलब थर्ड डे तक मुझे ये पेंटिंग को पूरा कंप्लीट करना है और पार्सल करके पैक करके उसको कोरियर करना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो टुडे इज द थर्ड डे एंड द फाइनल डे ऑफ माई पेंटिंग। मुझे आज ही इसको कैसे भी फिनिश करना है। तो अभी सुबह का 10:30 हो रहा है और मिठी का क्लास चल रहा है, तो मिठी का क्लास खत्म होने के बाद फिर हम लोग लंच करेंगे, फिर उसको सुलाऊंगी, उसके बाद ही जाके मैं व्लॉग कंटिन्यू कर पाऊंगी। तो तब तक मैं मेरा जो पूरा काम है वो सारा कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर मिठी सोने के बाद मैं फिर आपसे मिलती हूँ। व्हाट इज दैट? माय हाउस। माय गॉड, योर हाउस, योर मिनी हाउस। अच्छा, बॉक्स में एक चेयर आया था, उसको वो घर बना के खेल रही है। तो हम लोग अभी खाना स्टार्ट कर रहे हैं, लंच का टाइम हो गया, 1:30 हो गया, फिर भी लेट हो गया। मिठी बाहर खेल के आई अभी, वो थोड़ा सा कार्टून देखेगी उसके बाद फिर सो जाएगी। तो हम लोग लंच फटाफट से कर लेते हैं। मामा, yes? तो आफ्टरनून में उठ के क्या करेगी? मैं मेरा पेंटिंग का काम करूंगी। जगन्नाथ बनाएगी। करेक्ट, जगन्नाथ बनाऊंगी। ठीक है, 1, 2, 3 मिठी चल सर पड़िया। चलिए हमारा काम स्टार्ट करते हैं। बहुत धूप है बाहर, एकदम ब्राइट सनी डे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज है 6th डे, जैसे कि मैंने बोला था थर्ड डे को मैं कंप्लीट करूंगी वो पेंटिंग को, वो नहीं हो पाया, मैंने और 2 दिन लिया उसको अच्छे से कंप्लीट करने के लिए, फिनिशिंग टच देने के लिए। तो आज है 6th डे और आज कंप्लीट पूरा हो गया है पेंटिंग हमारा, और आज उसको पैक करना है सो दैट आज मैं कुरियर कर पाऊं। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, सुबह का टाइम है, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उसके बाद फिर पैकिंग स्टार्ट करेंगे।
तो पैकिंग के लिए मैंने यहाँ पे A3 साइज का कार्डबोर्ड लिया है, उसके ऊपर मैं ये जगन्नाथ जी का जो पेंटिंग है वो रखूँगी और उसके ऊपर और एक पेपर रखूँगी, सो दैट पैकिंग के वक्त पेंटिंग ज़्यादा टच ना हो, कोई भी स्क्रैच या कुछ भी डस्ट कुछ ना लगे। और इसको अच्छे से रखने के बाद मैं एक थैंक यू नोट लिखूँगी। थैंक यू नोट हमेशा रुद्र मेरे लिए लिखते हैं क्योंकि उनका हैंडराइटिंग अच्छा रहता है। और ये हम लोग पाम लीफ के ऊपर लिख रहे हैं, ये पाम लीफ मैंने उड़ीसा से लाया था। और ये थैंक यू नोट लिखने के बाद फिर उसके ऊपर मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड लगाया है और अच्छे से उसको स्टिक करने के बाद मैं यहाँ पे बबल रैप करूँगी और बबल रैप होने के बाद फिर श्रिंक रैप करके एड्रेस लिख दूंगी। तो हो गया हमारा पेंटिंग पैक। तो ये जो पार्सल है ये अभी पैक हो गया, हमने एड्रेस पैक लिख दिया और एड्रेस अच्छे से लिखा, पैक अच्छे से कर दिया है और थोड़े टाइम में पोस्ट ऑफिस जाके मैं इसको पोस्ट कर दूंगी। सो रुद्र अभी जाके वो पोस्ट करके आ गए और ये स्लिप भी आ गया मेरा। तो ये जो पेंटिंग है वो अच्छे से ख़त्म हो गया, थोड़ा सा टाइम लगा बट ठीक है, वो ठीक से अच्छे से ख़त्म हो गया। पैक करके उसको हमने स्पीड पोस्ट भी कर दिया। तो ये जो व्लॉग है मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिए। और जो नेक्स्ट व्लॉग है वो हम लोग आज एक जगह में जाने वाले हैं, तो नेक्स्ट व्लॉग जो है वो ट्रैवल का आएगा। सो यस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे और गुड नाइट।